गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल की तरह आज भी जो है सुबह सुबह हल्की हल्की धूप निकली है, तो इसलिए हम लोग जो है बाहर आ चुके हैं धूप सेकने के लिए। मैं, जेरी और हमारा बेबी, आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो धूप सेक रहा है धूप, और साथ में गावुज्जे भी है, गावुज्जे। तो अभी जो है धूप सेकाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा बहुत धूप में आना जरूरी होता है, तो इसलिए ना कर रहा, फर्स्ट टाइम धूप देगा इसने ना, इसलिए यहाँ पे ये धूप सेक रहा है। और इधर दीदी का हालत खराब हो रहा है गाइस, दिखाता हूँ। अभी पोटी वाला कपड़ा धोना पड़ रहा है दीदी को, डेली का रूटीन बन चुका है, और डेली 500 500 डेली 500। अभी तक मिला नहीं है दीदी को सर्विस का पैसा, डेली 500 गाइस। तो इन तीन कब से धो रहा है, कल से ना, तो परसों से, तो इन तीन कब से, एक तारीख से धो रहा है। तो एक तारीख से लेके उसका सैलरी बनने वाला है अभी डेली का 500 गाइस। ओए क्या हो गया भाई, क्या हो गया, फिर से रो रहा है। हाँ सूरज की रोशनी नहीं पसंद, हाँ थोड़ा थोड़ा धूप सेकना है। अभी जो है तो हल्की हल्की धूप दे रही है ना, तो ये वाले तो सूख चुके हैं, रात भर रखा तो सूख गए ये भी। और अभी सिर्फ ये इसका जो कंबल है ना वो ठीक से सूखा नहीं है, तो इसे दे देता हूँ अभी धूप में सुखाने के लिए। धूप सेक रहे हैं, अभी धूप सेक रहे हैं हम सभी लोग। लेकिन धूप है नहीं, हल्की हल्की है धूप। याहू ब्रूस ली, क्या पोजीशन है, वाह क्या पोजीशन में सोते हो लक्की। मेरे साथ खेलोगे, गावुज्जे भी आ गया, देखो गावुज्जे जेलस। लेकिन छोटू नहीं मिला कल, बहुत दुना। ओ आशीर्वाद, साधु साधु। लुके भी है, गावुज्जे भी है, लित्तो भी है, सिर्फ छोटू नहीं यार, बहुत सुना सुना लग रहा है। गावुज्जे भी घूमते रहते हैं अभी, छोटू होने से तो दोनों खेलते रहते हैं ना। बहुत दूना कल नहीं मिला, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या हो गया, हालत खराब हो गया। दादा ही परफ्यूम मार देता है ना कपड़ों पे, इसलिए। गावुज्जी तुम भी सो रहे हो, तुम भी वॉश कर दो। हमारे घर पे दो कबूतर आए, उन्हें दाना देता हूँ। डर रहे हैं लेकिन बाद में आके खाएंगे यहाँ से। गावुज्जी ना 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 ना, हमारे प्यारे गावुज्जे को देखिए गाइस, मैं यहाँ पे धूप सेक रहा हूँ ना अपने बेबी के साथ, ये भी देख रहा है। इसका रिएक्शन देखिए ना गाइस, बेबी को देखने के बाद। गावुज्जे फिर से पोटी कर दिया, आपका ड्यूटी फिर भर गया। अभी 550 रुपया हो गया। थोड़ा सा इसको कंफर्ट का वो अंदर जाने देते हैं ना, हो गया हो गया लवानू। अच्छा तो अभी इसको मतलब धो के यहाँ पे सुखाना है, चलो ड्यूटी में लग जाते हैं गाइस अभी हम भी, लेकिन मुझे सैलरी देने वाला कोई नहीं है। चलो अभी देखो लाइट भी चली गई है और हवा बहुत तेज आ रही है, बारिश तो नहीं हो रही है। तो अभी जो हमारा खाने का टाइम आ चुका है, जेरी ने तो खा लिया, तो खाते खाते बच्चा रो रहा था, तो फिर से जाके फिर से दूध पिलाना पड़ रहा है, और उसके बाद जो है फिर से आके खाएगी। तो तब तक मैं खा रहा हूँ यहाँ पे,
विंग, चिकन लेग और चिकन, तो इसी के साथ करते हैं। और भिंडी की सब्जी भी है, दीदी ने पकाया तो अभी खा लेते हैं। यहाँ पे मानवी भी आई है, मानवी को हुआ है जॉन्डिस, तो यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है मानवी का जॉन्डिस, तो यहाँ पे आया है, उसने खाना खा लिया ऑलरेडी बोला, इसलिए नहीं खा रही है। और जॉन्डिस वगैरह होने से मीट मच्छी नहीं खा सकते, तो बेचारे को जो है नहीं दे पा रहे हम लोग ना, तो इसलिए ऐसे ही बैठे हुई है अभी। तो चलो खा लेते हैं हम लोग फटाफट से, खाना भी खा लिया, जेरी ने भी खा लिया और मैंने भी, और उसके बाद बारिश शुरू हो गई फिर से। देखो ऐसा मौसम है, कभी भी बारिश आके टपक जाता है, तो जो भी कपड़ा सुखाने के लिए दिया था बाहर में उसको सबको जो है अंदर लाना पड़ा, तो नीचे में यहाँ पे सुखाने के लिए दे दिया हूँ जेरी का और हमारे बेबी का जो है ऊपर में। तो देखो ना क्या यार, दूसरे लोग गर्मी के कारण जो है मर रहे हैं। कल का न्यूज़ में देखा था मैंने, नागपुर में 54 डिग्री सेल्सियस, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा, यहाँ पे तो 30 से कम है, 25-26 ऐसा है टेम्परेचर इधर में। डायपर 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 चेंज गामुची चलो इसको फेंकना पड़ेगा बहुत ही गंदो मारता है चलो अभी इसे फेंकना पड़ेगा, दिन भर सुसु पोटी करते रहता है हमारा बच्चा। चलो चलो चलो, इसको है ना पूरा टॉयलेट का गद्दा में फेंकना पड़ेगा, वरना गावजे उठा के कहीं लेके जाएगा, ये खा देगा, तो इसको अच्छे से पूरा इधर में जो है गद्दे में फेंकना पड़ेगा। अभी जो है हमारा बेबी पहला वर्ट करेगा, एक्चुअली इतना बारिश हो रही है ना उस कारण हम उसे नहीं नहला रहे हैं, तो आज जो है उपाय नहीं, नहलाना पड़ेगा थोड़ा सा वार्म वाटर से, अभी रो रहे हैं। चलो चलो, यहाँ पे साबुन सब कुछ है, अभी नहाना है, इधर में नहाना पड़ेगा क्योंकि इधर में थोड़ा पानी गिरेगा ना जल्दी से, तो वरना उधर में नहाने से तो पानी रह जाएगा, तो यही में अच्छा होगा। अभी दीदी लेके गया उधर, मैं रेडी रहूँगा नहाने के बाद जो है उसको लेने के लिए। अरे मानवी जाग गई, सो रही थी। फर्स्ट बात में ठीक से रो रहा है, ये रोने का नहीं रे, सोना मत रो सोना, मानवी सोना को मत रोने के लिए बोलो, तुम लोग का दोस्त है ना, मत रो बोलो सोना, ना 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 सोना मम्मी भी आ गए, सोना सोना रोना नहीं, नहा रहा है, फर्स्ट बात कर रही है, उसका वजह से इसको पैसा मिलेगा, पैसा बॉक्सिस बॉक्सिंग मिलेगा, बॉक्सिंग बड़े मम्मी को पैसा मिलेगा, सैलरी डेली का 500 और नहाने का एक्स्ट्रा। मानवी पूरा देख रही है, देखो तेरा दोस्त है ना, अच्छे से देखो। कर रहे ना, नहा लिया अभी देखो सुंदर बन गया, सुंदर सब लोग पूरा देख रहे हैं, देखो सेलिब्रिटी नहा रहा है, सेलिब्रिटी हो गया, नहा लिया ना, हैंडसम, नहा के खत्म होने का बाद शांति शांति, नहाने से पहले तो इतना हल्ला वो गेजू करता है, पानी डालने से वो ना डरता है पूरा। मानवी तुम भी ऐसे ऐसे करता था ना बचपन में, नहीं किया? नहीं किया ना। अभी नहा लिया, इसको कपड़ा सपड़ा लगाना है। गाइस ये देखिए, गिफ्ट मिला वाला, सारे के सारे गिफ्ट मिला वाला है, मैंने सिर्फ एक ड्रेस ही खरीदा था आई थिंक, तो इसको सारे लगा के सारे, देंगे इसको, इसको ना पिंक, अच्छा चलो इसको लगा देते हैं, मैचिंग होगा, हाँ मैचिंग होगा, अच्छा है ये, गुवाहाटी से उपासना जी ने भेजा था ना, चलो इसी को लगा देते हैं, लगाएगा। अभी देखो ना इसके लिए पूरा अवेलेबल हो चुका है कपड़ा, क्या लगाए, ऑप्शन ही ऑप्शन है, लड़का का कपड़ा भी है इसके पास, लड़की के कपड़े भी है, क्योंकि पता नहीं था ना इससे पहले लड़का होगा ना लड़की होगा, तो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स, हमारे दीदी लोग भैया लोगों ने भेजा है सामान, और पैदा होने के बाद भी दिया है, तो मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता, इन फ्यूचर अगर आप लोग हमारे घर पे आते हो तो बेबी के लिए कुछ भी मत लेके आओ, कपड़े वगैरह ना यूज करने वाला वो अलग कपड़ा आप लोग ला सकते हो,
हूँ, लेकिन पहनने वाला ना मत लाया करो, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा हो चुका है और वो बच्चे लोग बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, तो बड़ा होने के बाद वो कपड़ा तो वेस्ट हो जाएगा ना, वो पहन नहीं पाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है अगर लाते भी हो ना, तो वो जो पोटी वोटी करने के लिए पोसने के लिए वैसे तक का ला सकते हो, तो वो वाला मत लाइए, बहुत बेकार जाएगा ना बाद में आपका भी बेकार में पैसा जो है खर्च होगा। इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ पहले से, ऐसा नहीं कि आप लोग को लाना जरूरी है, ऐसा नहीं है। आप लोग ऐसे भी मिल के अगर जाओगे तो भी अच्छा लगेगा हमें ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ सामान दे दो बोल के। हॉस्पिटल में भी जब था इतना सारे लोगों ने सामान लाया, तो वो सब जो है हम लोगों ने कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि हमारे पास जो है होता है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आप लोग ला देते हो ना। लेकिन ये भी आप लोग का बर्पण है, आप लोग का प्यार है, तो हम इसमें क्या ही कह सकते हैं। ज्यादा मना करना भी डर लगता है हमें, बाद में आप लोग सोचोगे हम लोग इतना प्यार से लाते हैं और ये लोग को देखो इतना एरोगेंट लेते भी नहीं, ऐसा फिर आप लोग भी सोचोगे। इसलिए थोड़ा डर भी लगता है हमें बोलने के लिए, और नहीं बोलने से भी बाद में वो ज्यादा ही आप लोग का भी लॉस होगा, सामान जो है वो वेस्ट हो जाएगा ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को, आप लोग समझिए थोड़ा सा, आप लोग खराब मत पाइए, खराब वे में मत लीजिएगा इसको। थाई मसाज चलेगा ना, थाईलैंड वाला मसाज, थाईलैंड वाला मसाज चल रहा है। अच्छा, अभी मुझे टॉयलेट पे आना पड़ा, क्योंकि मुझे जो है भेजना था कुछ वीडियोस एंड फोटोज मिजोरम पे जेरी के पेरेंट्स के पास, क्योंकि उन्हें देखने को नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे नेटवर्क मिलता है ना, तो वो पे जाके सेंड किया हूँ। अभी 3 वीडियोस फोटोज वगैरह उन लोग को सेंड किया है, तो वो लोग को भी तसल्ली मिल जाएगा। हमारे बेबी ने तो नहा लिया, तो अभी जेरी भी नहाएगी बोल रही है, तो अभी इसको जो है पानी निकाल लेता हूँ मैं हैंडपम्प से। एक्चुअली जो है हम लोग का मोटर ख़राब हुआ है ना, उसके लिए मुझे चौकम भी जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले जेरी को पानी उठा देता हूँ, उसके बाद जाऊँगा मैं मोटर को लेके चौकम पे जाके ठीक करना पड़ेगा। शॉर्ट वगैरह हो रहा है इसमें, पता नहीं क्या क्या हो गया वायरिंग में। चलो, और 2 कबूतर को मैंने वो दाना दिया था ना, वो देखो आते हैं फिर खाते हैं, देखो थोड़ा थोड़ा डरते भी है क्योंकि जंगली है ना। अभी हमारे साथ पूरा घुल मिल गए दोनों, देखो। अभी मोटर को भी मैंने खोल दिया गाइस, तो सब कुछ मैंने खोल के रख दिया यहाँ पे, अभी यही लेके जाऊंगा सीधा चौकाम। अभी जो है मैं चौकाम में पहुंच चुका हूँ, लेकिन मेरा मोटर का जो प्रॉब्लम है ना, वो पता नहीं सॉल्व होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे जो भैया है वो भी नहीं है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा बोला है, तो मैं मोटर को अभी फिलहाल यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ और समरी भैया के पास जाऊंगा, जो भी वहाँ से लेना है ना वो लेके उसके बाद यहाँ पे फिर से आऊंगा मैं। मैं पहुंच चुका हूं भैया के घर, और भैया ने पकड़ के रखा है, मुझे लगा था 2-3 किलो मिला है, बोला है बाकी बेच दिया होगा, मेरे लिए सिर्फ 1 किलो रखा होगा, लेकिन इसने तो पूरा रखा है और वो भी जिंदा रखा है। तो अभी यहाँ पे सामने में एक छोटा सा तालाब बन गया, वहाँ पे धान की खेती भी कर रहे है भैया, तो वहाँ पे छोड़ देगा बोला है, फार्मिंग जैसा ना, बाद में जब भी खाने मन करेगा वहाँ से पकड़ के खाएगा। हाँ बढ़िया है, लेकिन अगर ज्यादा मिलता है ना, हमारे गांव में 200 रुपए किलो पूरा बिकता है। अच्छा, आज भी बेचने गया था, बोला है कोई जेरी को खाना बना के लेके आया है। हाँ, फ्रॉक का मीट से हम लोग का बुआरी लगता है एक, तू वो लेके आया है। तो हमारे गांव में बहुत खाया जाता है गाइस, पूरा 200-250 ऐसा किलो बिकता है, मतलब साइज के हिसाब से। तो देखते हैं अभी ये वाला साइज कैसा है, पूरा जिंदा है ना, बड़ा बड़ा है पूरा, देखिएगा, देखते हैं गाइस, पूरे बाप रे, बड़ा बड़ा है तो, ओ माय गॉड, बड़ा बड़ा है तो। तो मैं 1 किलो लेके जाऊंगा बड़े बड़े साइज वाला। अच्छा ठीक है, अरे बाप रे बहुत बड़ा है। हां बहुत ना। हां यहां पे देखिए दोस्तों, एक निकाल दिया और उसको फिनिश भी कर दिया ना। इतने सारे, तो यहाँ से 1 किलो जो है मैं वेट करके लेके जाऊंगा, बहुत बड़े बड़े साइज का मिला है भैया को। हाँ। जो भी घाव वगैरह होता है, ऑपरेशन होता है, या फिर बच्चा पैदा होता है ना, तो उन लोगों को खिलाना चाहिए इसका सूप, घाव बहुत जल्दी भरता है। तो जेरी को, हाँ जेरी को भी खिलाएंगे आज, उसके बाद पूरा घाव जल्दी भर जाएगा उसका। बहुत बोलता था एक दोस्त भी, बोल रहा था ऐसे कुछ एक्सीडेंट होने से भी ये खाना, हाँ ये खाना चाहिए, बहुत अच्छा चीज है, तो जल्दी से मैंने जल्दी से मतलब रिकवर होते हैं। चलो चलो भैया, वेट करके देख लो, अभी 1 किलो से ज्यादा होगा क्या, ये बहुत भारी है तो, ये सब भी हाँ 1 किलो से ज्यादा होगा, कल का मुर्गे का जैसा ना, वो भी तो आगे का बुरा। हाँ अरे देखिए, 1.5 किलो, ये तो 1.5 किलो होगा, ये तो 1.5 किलो, ये तो 1.5 किलो हो जाएगा, 1.5 किलो। कोई बात नहीं, नहीं आप रख लीजिए, बाकी आप लोग भी खाइए ना, हो जाएगा, है ना मेरा। हाँ मुना ना पूरा ये बोले, बात नहीं है तो यहाँ से छोड़ के बाद आराम से फेंक, मैं आज भी खाने के लिए रखिए ना यहाँ से, इतना ज्यादा हो जाएगा ना,
कितना ले जाए यार, ज्यादा हो जाएगा। वेट वगैरह कर लिया है और बैग में डाल लिया मैंने पोलोटीन से। अभी थोड़ा सा भैया के इधर में गप्पे सप्पे मार लेते हैं, वो तब तक जो है जो मोटर का मैकेनिक वाले भैया है वो भी आ जाएंगे, तो वो बोलेंगे क्या होगा, मोटर ठीक होगा ना नहीं होगा, नहीं होने से 300 रुपया में देना पड़ेगा। क्या हो गया, हो जाएगा, लंबू इंसान हूँ ना। चलो भैया के घर में आया, बहुत दिन के बाद। चलो पूरा लाइट नहीं है ना, कोई बात नहीं। अभी समीर भैया के घर से जा रहा था, यहाँ मैं स्लीप होके कहाँ गिर गया मैं, देखो पूरा ड्रेन में फंस गया गाइस। अभी पता नहीं कैसे निकलूंगा मैं यहाँ से। समीर भैया उधर से देख के आ रहा है लगता है। बाप रे बहुत डेंजर है यार, पूरा स्लीप होके गिर गया मैं। पूरा भैया का फैमिली लोग आ गया देखो हेल्प करने के लिए, वहां में गिरा था जैसे तैसे उठाया गाइस। तो अभी देखते हैं यहाँ से ले जाके। चलो कैमरामैन रोहित। चौका में पहुंच चुका हूं और मोटर को दे दिया है मैंने अभी, तो मोटर में जो एक्चुअली शॉर्ट हुआ है बोला भैया ने, शायद पानी वानी घुसा होगा। बारिश के टाइम पे हम लोग घर पे नहीं थे, तो हवा हवा आने के बाद पानी जो तरपोलिन है वो उड़ गया था होगा उस कारण जो है, और मम्मी ने जैसे ऑन किया पूरा धुआं धुआं होगा। तो अभी तिनसुकिया बेचना पड़ेगा, तो मैंने पेमेंट वगैरह भी दे दिया है, बुधवार को या फिर बृहस्पतिवार को मिल सकता है मुझे, टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो अभी दे देते हैं। अभी वेट तो करना ही पड़ेगा ना, यहाँ पे पूरे एरिया पे कोई भी नहीं है मोटर का मैकेनिक ना, तो तिनसुकिया ही बेचना पड़ेगा। तो अभी चले जाते हैं यहाँ से भी, भैया के इधर में छोड़ के जा रहा हूँ। हमारा बाथरूम पे जो है हार्पिक खत्म हो चुका है, तो यहाँ से हार्पिक लेके जा रहा हूँ। और कभी कभार हम लोग जब चिकन विकन मटन वटन बॉयल खाते हैं ना, उसके लिए चाहिए होता है ये वाला मसाला, गरम मसाला, तो ये भी लेके जा रहा हूँ। अभी घर पहुँच चुका हूँ दोस्तों, तो जो भी फ्रॉक वगैरह है उसको बाद में सफा किया जाएगा। आते ही पूरा खबर मिल गया कि हमारा बेबी ने सुसु कर दिया फिर से, तो अभी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि जेरी को भी जो है वॉशरूम जाना है, उसके बाद मैं नहाऊंगा, मुझे नहाने का बहुत मन कर रहा है, इतना पसीना पसीना हो गया ना, बाइक फंस गया था उसमें। तो अभी चल लो दोस्तों, मैं नहा धो के फ्रेश होके घूमने गई थी, बहुत देर तक घूमा घूमा एंजॉय किया, अच्छा लगा क्योंकि इतने दिनों से घर के अंदर में हूँ ना, तो बोर हो गई। आज तो खाना भी नहीं बनाना है, एक को हमारे बहू है उसने खाना पहुँचा दिया, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग को मुझे मतलब थोड़ा सा आराम मिल गया, सिर्फ चावल पकाना है। आते आते क्या हुआ कि मैं फिसल के गिर गई थी बहुत खराब से, दराम करके मेरा ये पूरा दुख रहा है, तो खराब से गिर गया क्योंकि गांव का रास्ता ऐसे देखो जब ग्रीन ग्रीन होता है ना बहुत ही स्लिपरी होता है। और अभी जो है जो फ्रॉक लेके आए थे समीर भैया से, इसको मैं सफा करूँगी, इन सबको अच्छे से सफा करके इसको जो है मैं सुखा के रखूँगी। इसको सुखा के रखने से बहुत ही देर तक लास्टिंग होता है, बहुत दिनों तक उसको आराम आराम से हम लोग खा सकते हैं बाद में। और उसको सफा करने के लिए मैं यहाँ से, ये देखो कितना आराम है, घर के पास में ही है, केले के पत्ते काट के वहीं पे रख के सफा करूँगी। दीदी को देखिए दोस्तों, पूरा अंधेरा हो गया ना यहाँ पे सफाई करते करते, और इतने मच्छर है यहाँ पे, मच्छर को भगाने के लिए धुआं धुआं लगा दिया। और यहाँ पे देखो फ्रॉग अभी भी ठीक से हुए नहीं है, उसके बाद रोस्टिंग होगा ना, इसको रोस्टिंग करके रखेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत है खाने के लिए। अच्छा यहाँ पे पूरा रोस्टिंग हो रहे हैं फ्रॉग गाइस, थोड़ा सा टाइम लगेगा रोस्टिंग होने के लिए, एक्चुअली रोस्टिंग भी नहीं, इसको हम लोग ड्राई करके रख रहे हैं, ड्राई करने के बाद सूप बना के पियेंगे तभी मजा होता है ना गाइस। फ्रॉग के अंडे बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं गाइस, आप लोग कभी ट्राई करना, मजा आएगा। तो डिनर करने का टाइम है दोस्तों, यहाँ पे देखो सब लोग बैठ गए हैं डिनर खाने के लिए, तो अभी खाएंगे। आज जो है इतने वैरायटी से ना क्या ही बताऊँ आप लोगों को, ये देखो पोर्क जो हमारे बहू रानी लेके आए थे जेरी के लिए, चिकन लोकल चिकन, यहाँ पे फिर से पोर्क, यहाँ पे फ्रॉक, फ्रॉक के अंडे, ये देखो ये ड्राइड मूली और बम्बू सूट, मिक्स वेजिटेबल, फ्रॉक मीट और भिंडी, बाप रे पूरा फुल है हम लोग का खाना आज। तो जेरी भी खा रही है फ्रॉग मीट, उसको खिला रहे हैं क्योंकि फ्रॉग मीट बहुत अच्छा होता है हीलिंग के लिए। तो अभी खा लेते हैं गाइस, मिलते हैं खाने के बाद, भूख लग रहा है एकदम, डबा डबा के खाऊंगा आज तो, पूरा मीठी मीठे है। गावजे को देखिए गाइस, एक्चुअली पूरा टीका तिलक जैसा लग गया उसको कुछ इन्फेक्शन हुआ था उसमें मैंने दवाई लगा दिया। छोटू तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, उसको इतना धुंधा नहीं मिला, गांव वालों में पूरा खबर फैला दिया है, जहाँ पे भी मिलता है तो वो जो है हमारे इधर में भेज देंगे, देखते हैं अभी मिलता है कि नहीं मिलता है।
अभी जो है सोने का टाइम है दोस्तों, और सोने से पहले आप लोगों को कुछ कुछ गुड न्यूज़ दे देता हूँ। जो बेबी का फेस रिवील है ना, वो हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं। जो हम लोग का नियम है, एक दो दिन के अंदर में हो जाएगा शायद, क्योंकि हमारे बेबी का जो नाभि है ना, जैसे वो नाभि गिरेगा तभी हम लोग फेस रिवील कर पाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करना, इतना दिन तक उनके आने का जो है इंतज़ार किया है, पैदा होने का इंतज़ार किया है, तो फेस देखने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए एक दो दिन। और उसके बाद एक दो दिन के बाद जो है फेस रिवील करने के बाद, उसके नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे को हम लोग जो है जेंडर भी रिवील कर देंगे। आप लोग चिंता मत करना, इतना लॉन्ग लंबा हम लोग नहीं खींचेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं करने के लिए, तो आप लोग के डिमांड पर मैंने ये फैसला लिया है, जल्दी से जल्दी करेंगे। हाँ, कुछ लोग गालियाँ भी दे रहे हैं, कोई बात नहीं, जायज़ सी बात है, लेकिन कुछ कुछ लोग बहुत ख़राब से भी गालियाँ दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि कंटेंट के लिए कर रहे हो ये वगैरह वगैरह ना। हाँ, कुछ हद तक सही है, कंटेंट के लिए हमें करना पड़ता है, क्योंकि यही हम लोग का ज़िंदगी है, यही हम लोग का रोज़गार है। तो यूट्यूबर होने से जो है हर चीज़ मैटर करता है ना। तो जब आप लोग होगे, आप खुद काम करोगे, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अभी आप लोग नहीं कर रहे हो ना वो काम, इसलिए आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। बोल रहे होंगे कि हम नॉर्मल इंसान लोग तो डायरेक्ट रिवील कर देते हैं, तो हम एक तरह से हम लोग नॉर्मल नहीं है, हमें करना पड़ता है मजबूरी में ना, क्योंकि यही हमारा काम है, तो यही हमारा प्रोफेशन है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, आप लोग बिल्कुल भी बुरा मत मानना, बहुत जल्द हम लोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हम जो है इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाय बाय। और आप लोग इतना प्यार दे रहे हो ना ब्लॉग्स वगैरह में, कमेंट्स वगैरह में, तो वो देख के दिल खुश हो जाता है ना। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए आप लोग, और दो तीन दिन रुकिए फेस और जेंडर रिवील के लिए, तो आप सबको देखने को मिलेगा। बाय बाय गाइस, लव यू।